बच्चों हमने देखा यहाँ पर, मैंने किया एसिड एस्टर के साथ किया इसको, ठीक है। एसिड एस्टर में मैंने क्या किया, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये होता है हमारा एस्टर, ठीक है। एस्टर में पता कैसा होता है, ऐसे R सी डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पर मैंने क्या करा CH3 लगा दिया। इसको मैंने फिर क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ये हुआ कैटलिस्ट की CHCl और H2SO4। इसको मैंने हीट किया, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये OH यहाँ लग जाएगा, और CH3O और ये एच ओ के साथ लग जाएगा, तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बनेगा एल्कोहल। सेकंड केस में मैंने बताया था आपको एसिडामाइड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2। तो आपको ये देखना है कि कई लोग कहते हैं कि अमाइड और एसिडामाइड में क्या फर्क है, तो वो चीज सेम है, कोई फर्क नहीं है। अमाइड को ही हम एसिडामाइड बोलते हैं। इसको ही मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव वाटर। इसको ये भी होता है उसकी अपनी जो कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंस में होता है HCl और H2SO4, बट इसको हम बॉयल करते हैं। बॉयल मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं, तो ये हमारा कुछ यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूटेगा, ठीक है। यहाँ लग जाएगा इसका OH, और जो NH है ये NH3 निकल गया, और ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने HCl और H2SO4 क्यों यूज किया। बात तो ये है ना कि कैटलिस्ट, हमने जो पिछला केस था उसमें हमने क्यों नहीं यूज किया, जब हमने एसिड क्लोराइड बनाया और एसिड ब्रोमाइड बनाया, क्यों नहीं यूज किया, बात हमारी समझ में नहीं आई। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर जो Cl है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आराम से ये रिएक्शन हो जाता है, थोड़ा सा हीट करो हो जाता है। उसके बाद आता है एसिड एनहाइड्राइड, इसमें जो निकलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये HCl के कंपेयर इतना अच्छा नहीं है एसिड ये, ठीक है। ये भी होता है लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बनाना पड़ता है, ये आराम से हो जाता है। तीसरा केस क्या है हमारा, एसिड एस्टर। तो एस्टर केस में क्या होता है कि ये जैसे मतलब ये घट रहा है, सबसे अच्छा ग्रुप है ये, मतलब सबसे अच्छा एसिड है और उससे गंदा एसिड, ये उससे गंदा एसिड, ठीक है ना, जिसका बनेगा ये वाला एसिड, तो ये उससे गंदा जिसका बनेगा एसिड, तो ये बनेगा उससे गंदा एसिड, ठीक है। अल्कोहल मतलब बेकार एसिड, गंदा कह रहा हो तो बेकार, और जो लास्ट में रहेगा NH3, ये सबसे बेकार एसिड है, ठीक है, सबसे कमजोर बेकार, ठीक है ना, घटिया हम कह सकते हैं ऐसा एसिड है। तो हम देखते हैं, तभी हमने यहाँ HCl और H2SO4 किया, हल्का हल्का हमने टेम्परेचर बढ़ाया और लास्ट में जाके हमने इसको बॉयल किया, ठीक है ना, 100 सेल्सियस पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट वो बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं मेरी FB पेज पे, मेरा FB पे या फिर ट्विटर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ही। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, वो होगा की फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, इफ यू इन गुड मूड देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज, गुड बाय।